हमने महापुरुषों को जातियों में बांटकर उनका सम्मान घटाया है। महापुरुषों ने किसी जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए कार्य किया है, इसलिए सभी को महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। यह बात डॉक्टर अंबेडकर ग्रुप द्वारा शिव मंदिर परिसर में आयोजित सरदार पटेल जयंती के अवसर पर ग्रुप के संयोजक शिवशंकर रोकड़े ने कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के लिए संविधान बनाया, उसी प्रकार लौह पुरुष सरदार देश की रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया। इस अवसर पर सरदार पटेल व बाबा साहेब अंबेडकर के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। नांद्रा से शिवशंकर रोकड़े की रिपोर्ट। आज बहुत ही एक गर्व की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रुप द्वारा सरदार पटेल की जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं किसी एक जाति के लिए नहीं होते, वो पूरे देश के महापुरुष है। उन्होंने देश के लिए काम किया है, जाति के लिए नहीं। क्योंकि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान की रचना करी और पूरे देश के लिए कानून बनाया, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी पूरे देश की रियासतों को एक करके एक संपूर्ण राष्ट्र बनाया। तो हमारे लिए जितने भी महापुरुष है सभी पूजनीय है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, महापुरुषों को जाति से बांध दिया, जबकि महापुरुषों ने किसी जाति के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर ने जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सभी के लिए कानून लिखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी एक के लिए काम नहीं किया, किसी जाति के लिए काम नहीं किया, सभी के लिए क्या है। तो ऐसे ही महाराणा प्रताप ने जैसे युद्ध लड़े, तो महाराणा प्रताप ने कोई राजपूतों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया है। पूरे शिवाजी ने पूरे देश के लिए काम किया है, परंतु हम लोगों ने महापुरुषों को एक जाति में बांध दिया, जबकि यह सभी के हैं और सभी पूरे देश ने इन महापुरुषों का पर्व मनाना चाहिए, इनकी जयंती मनाना चाहिए और इनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। इसलिए हम सभी जाति बंधन भेदभाव मुक्त होकर सभी जो महापुरुष है सभी का आदर करें, सम्मान करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय सरदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।